राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा डाल दूंगी क्योंकि मैं भिंडी, मुझे भी नाश्ता करना है, दवा खानी है, तो मैं थोड़ा भी ये प्याज से खा लूंगी। और तो है नहीं लौकी वगैरह जो मैं अपने लिए बना लूं, मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा बड़ा डालूंगी। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है दिन सोमवार, तो सिस्टी स्कूल चली गई। सिस्टी के लिए मैंने आलू का पराठा बना दिया था, ये आलू रखा था रात का, तो आलू वाले थे मैंने जो रखे थे वही, तो उनके लिए मैंने आलू का पराठा बना दिया था। यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है और भिंडी हम ऐसे मतलब प्याज भी डाल देते हैं, हींग और मेथी जरूर डालते हैं। यहाँ पे मेथी डाल दी और लहसुन भी डालते हैं। लहसुन अब मैंने छीला नहीं, लहसुन दे फिर कभी डालूंगी। तो बस ये मेथी हो गई, ये डाल देती हूँ प्याज। प्याज को ना ज्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा ही हल्का भूनेंगे क्योंकि ये इसमें ना भुन जाएगा। और ऐसे मतलब भिंडी जैसे कभी अगर जल्दी जल्दी में हो और धुली ना हो भिंडी, हो तुरंत की तुरंत आपको धो के काटना हो, इस तरीके से कपड़ा बिछा लो और काटो, फिर ये होता ना इसका जो पानी होता है हल्का फुल्का, ये इसमें ही वो हो जाता कपड़े में। मुझे मैंने रात में काटी नहीं क्योंकि बस तबीयत ऐसी चल रही है, जब मन पेट में दर्द सा बना रहता है, मैंने कहा लाओ सुबह ही काट लेती हूँ। बस यहाँ पे ये भिंडी डाल दी मैंने। कर रहे हैं पूजा, आप लोगों को शंख की आवाज आ रही होगी। सिस्टी स्कूल गई, पहले उनका टिफिन तैयार किया, फिर थोड़ी देर में बैठ गई, उसके बाद फिर मैं पानी वानी पिया मैंने, फिर मैंने ये भिंडी काटनी स्टार्ट करी। एकदम से जल्दी जल्दी हो नहीं पाता है, हाथ पैरों में ऐसे लग रहा है जान सी खत्म हो गई, पेट दर्द में होता भी है। दर में एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, तो बस मेरा वही हाल चल रहा है, इसलिए मैं ना बहुत स्लो काम कर पा रही हूँ। थोड़ी देर इसको भूनते हैं, उसके बाद डालेंगे मसाले, अभी एकदम से नहीं डालते मसाले, थोड़ा रुक के डालूंगी मैं। चलिए भिंडी तो बन रही है, तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि आटा मैंने लगाया नहीं था, थोड़ा सा रखा था तो सिस्टी का हो गया उसी में, मैंने कहा चलो अब लगाती हूँ। बहुत गंदी हो रही, बट मैं क्या किसी दिन धोना है, इन सभी कामों से नहीं निपट पाती हूँ मैं कि धो लूं, धोना है किसी दिन इसको भी निकाल के। बेल फोड़ दे तो शरबत बना दे, नीचे होते सड़ते हैं। मतलब जिसको भी मेरे पेट के बारे में पता चलता है कि मेरा मतलब पेट दर्द रहता है हमेशा, दवाइयां भी खाती हूँ फिर भी ठीक नहीं होता है, तो यहाँ पे इस जगह पे होता रहता है। कोई कहता है कि आपकी वो धन है, पता नहीं क्या बोलते उसको, धरण, हाँ धरण चली गई वो है, कोई कहता कुछ और है, समझ में नहीं आता मुझे क्या है। मैं तो डॉक्टर को ही दिखाऊंगी, मतलब दिखाया है डॉक्टर को ही दिखा दिया है, तो बस उनकी देखो दवाई चल रही है। अब अगर अब ये डॉक्टर से नहीं हुआ मतलब ठीक मेरा, तो
प्रार्थना तो करती हूँ कि मैं सब ऐसी चीजें मानती नहीं हूँ ज्यादा निगेटिव वाली चीजें, मतलब धरण का तो मानती हूँ कि हाँ धरण चीज होती है, तो उसका तो मैंने ठीक भी करवाया है बीच में, और मतलब जो ठीक करवाने गई थी ना तब वो बोले थे कि आप कपड़े वगैरह ज्यादा भारी वाली चीजें मत उठाना, तो मैंने उठाया भी नहीं है, कभी शायद कुछ उठा लिया हो मुझे नहीं पता हो, तो देखती हूँ एक बार फिर जाऊंगी उनके यहाँ करवाने, शायद वो उतर गई हो क्योंकि मोटर बंद कर देना काफी दिन से जैसे ऐसी दिक्कत रहे ना तो जल्दी जल्दी उतरती है, फिर तो देखूंगी शायद मेरा जल्दी, कहते हैं ना जिनका पेट थोड़ा पतला होता है उनकी जल्दी से उतरती है धरा, किसमें है उस वाले फ्रिज में है, तो अब देखो एक बार जाऊंगी और डॉक्टर को तो मैं दिखा ही रही हूँ, बट अब इस सब चीजों से अगर नहीं ठीक हुआ टाइम वो तुम देखो कैसे फोड़ना है, यहाँ फोड़ ले तो फिर देखूंगी कि फिर दिमाग उधर जाएगा कि हाँ मतलब कुछ कहते हैं किसी ने कुछ करवा, मैं ज्यादा मानती नहीं हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पॉजिटिव बहुत सोचती हूँ हर चीज, अब देखो क्या होता है, मैं तो ईश्वर से यही कहती हूँ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो कभी किसी से गलत बोलती भी नहीं हूँ, गलत कभी आज तक मैं किसी से गलत नहीं बोली, यहाँ पे ये तोड़ रहे हैं बेल, कच्चा निकला कच्चा पकाता है हाँ कच्चा है, वो वाला तोड़ना चाहिए था तुम्हें, पीला पीला सा था जो कच्चा है, देखो सामने से था मीठा है, कड़वा कड़वा है, मीठा तो कहीं नहीं है, रखा रहने तो सही रहता, पीला वाला तोड़ते ऐसे ही उठा लिया है, देखते कभी नहीं है, पानी में खूब डाल देती हूँ आटा में, पीले कलर से देखते हैं अच्छे, हाँ वही तो हम कह रहे हैं हमेशा हम चीज समझाते हैं, पीला जो ज्यादा पीला हो वो अच्छा निकलता है, जैसे कि इसमें बैगन में बैगन भारी हो, हाँ ये रख दे, ये वाला देखो अच्छा निकला, हट ना ये देखो ये पका है, पूछा भी नहीं है हमसे, पूछ लेते कैसा लेना चाहिए कैसा नहीं, तो मैं तो नहीं मानती हूँ कि मतलब कोई ऐसा भी कुछ कर सकता है, कुछ लोग मानते हैं वो भी अपनी जगह सही होंगे, जो लोग मानते हैं मैं उनके लिए गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि दुनिया में ना हो भी रहा है, खासतौर से अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोग या किसी को जेलस मतलब इस टाइप में, पर मैं ऐसी सब बातें ज्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मतलब कि मुझे लगता है कि खुद को बदलो सबसे ज्यादा बेस्ट, अगर किसी के आपके साथ कोई भी बुरी हो रही है तो खुद के अंदर कमी निकालो कि कहाँ पे मैं गलत हूँ इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, अच्छाई में कि बुराई में, अगर मैं बुरी हूँ तो खुद को बदलो, अगर मैं ज्यादा अच्छी हूँ तो उसको भी बदलो, चलिए बातें मैंने बहुत कर ली तो मैं लगा देती हूँ इनके लिए अब खाना नाश्ता, पहले मैं ये मसाले डाल देती हूँ, पता मैं सबसे ज्यादा भगवान के ईश्वर के ऊपर भरोसा रखती हूँ कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो कोई मेरे साथ क्यों गलत करेगा,
मेरी तो सच में यही सोच है, बट जो लोग करते हैं उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। यहाँ पे हल्दी डाल दी मैंने, धनिया डाल दी, छोड़ो डॉक्टर को दिखाएंगे बाकी बाद में देखेंगे। यहाँ पे मिर्ची, खाना बनाते समय बढ़िया बढ़िया बातें करनी चाहिए और मन के अंदर, वैसे मैं इतनी नेगेटिव बातें सोचती नहीं हूँ बट फिर भी कभी कभी दिमाग में आ ही जाती हैं चीजें, जब चीजें समझ में नहीं आती है ना तब ये ख्याल आते हैं। बाकी की मैं बाद में बनाऊंगी अपने लिए और पियो के लिए, अभी मैं रख देती हूँ। बेल मैंने पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो बस इसको मैं अच्छे से मसल लेती हूँ ताकि ये सारा गूदा इसका पानी में रह जाए। और मीठे में मैं इसमें बूरा डाल दूंगी, आप इसमें मतलब पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं या विदाउट चीनी के भी पी सकते हैं। चीटियां सी हो रही है, मैं इसको ना कई बार मतलब दिखा चुकी हूँ धूप, लेकिन इसकी ये इसमें चीटियां हो जा रही है, देखो है ना, मैं इसको ना एक दो बार दिखा चुकी धूप में, लेकिन ये ना ठीक नहीं, खत्म नहीं हो रही, मतलब कहने का मैंने इसमें देखो वो भी डाली, ये लौंग भी, शायद इससे हो जाए लेकिन इससे भी नहीं हो रहा, तो मैं इसको आज दूसरे, अब इसको धूप में डाल के सुखा के और दूसरे डिब्बे में रखूंगी। चलिए मैं जा रही हूँ ऊपर, इसको डाल के आती हूँ। चीनी भर के रखूंगी क्योंकि ये थोड़ा टाइट है ऐसे करके, वो भूरा
इसमें चीटियां नहीं लगेंगी। बस मैं आ गई हूँ नहा के, मतलब मैंने नहा लिया है, सारे काम हो चुके हैं, आपके सामने हो चुके हैं। बस इस कमरे की चद्दर रह गई थी बिछाने को, हटा दी थी मैंने, बिछाई नहीं थी। मैंने सोचा था चलो बाद में बिछा दूंगी, पूरा नहा लेती हूँ, लेट हो रही थी मैं। पूजा ये सुबह करके गए हैं क्योंकि आजकल मेरा काम ना लेट हो जा रहा है, क्योंकि मैं ना धीमे धीमे कर पा रही हूँ बहुत। चलिए वीडियो का एंड यही करूंगी दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग आपको ये पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। और लंच में आज मैं बहुत सिंपल सा बनाने वाली हूँ। आज ये बोले कि आए हैं टमाटर, बस मैं आज टमाटर का भरता बनाऊंगी। आज मेरा टमाटर का भरता खाने का मन है। उब गई मैं लौकी तुरैया दाल खा खा के, इसलिए आज मैं बनाऊंगी टमाटर का भरता।